हेलो दोस्तों, सो आज है 19th of May एंड कल जैसे हमने आपको बताया था कि हमें पकौड़े और कुछ ना कुछ ऐसे खाने का बहुत मन कर रहा था बिकॉज ऑफ द वेदर, बट हम लोग इतना काम में लीन थे जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि हम क्या करें। तो आज सुबह में स्वरा का मूड किया कि वो बनाएगी महाराष्ट्रियन स्टाइल में वड़ा पाव, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट चला लें हम। सो गाइस, यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है, बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी दिख रहा है। आज हम खाने वाले हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल वड़ा पाव। सो फाइनली हमारी जो क्रेविंग थी कुछ हद तक, हाँ हमें पकौड़े खाने थे बट कुछ हद तक ऑब्वियसली वड़ा पाव भी इसी वेदर में खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो आज हम वो खाने वाले हैं। एंड प्लस मैं पहले जहाँ रहती थी वो घर की क्या हालत हुई होगी कल, आई डोंट नो, बिकॉज हम यहाँ पे तो पानी निकाल निकाल थक गए, वहाँ पे क्या हुआ होगा वो वहीं जाके देखना पड़ेगा। तो बस अभी विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी विल बी गेटिंग रेडी एंड हम वहाँ जाएंगे और हम वहाँ पे देखेंगे कि क्या हाल है, क्या चीज़ें हैं, कुछ ख़राब वराब तो नहीं हुआ है, वो सब हम देखेंगे करेंगे। और मैं आपको वो घर भी थोड़ा बहुत दिखाती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने सामान शिफ्ट नहीं किया है, बट मैं पार्शली यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हूँ। सो यस, वहाँ मैं पहले रहा करती थी एंड ठीक है, मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे पुराने फ्लैट में। ओके गाइस, सो ये रूम शायद आप लोगों ने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस वगैरह में। सो दिस इज़ माय ओल्ड हाउस। मैं आई हूँ मेरे घर पे, कुछ इतना ख़राब नहीं हुआ है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ फाइन। दरवाजे भी बंद थे, मुझे जितना डर लग रहा था, जितना पैनिक कर रही थी चीज़ों को लेकर, सब कुछ नहीं है। सो मैं आई हूँ, मैंने मेरी कुछ चीज़ें ले ली हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, और लेट मी शो यू माय प्लांट, उसको भी लेके जाना है। लेट्स सी कब लेके जा पाती हूँ, बस उसको पानी देने आती रहती हूँ मैं हर दो दो तीन तीन दिन में। सो दिस इज माय स्नेक प्लांट, ये पता नहीं मेरे साथ कब जाएगा। आर यू प्लांट लावो, इसको हम निकाल देते हैं किसी काम का नहीं। सो हमने देख लिया, हमको जो जो लेना हमने ले लिया, छोटी छोटी मोटी और चीज़ें मैं देख लेती हूँ जो कुछ लेने की है, फिर मैं लेके फटाफट से वापस हम जाएंगे अपने नए घर, है ना स्वरा? और क्या स्वरा? स्वरा बस हमारा सामान देखती है कि हमारे पास कितना सामान है और हमें शिफ्ट करने में हमारी कितनी हालत टाइट होने वाली है। सो गाइस देखो, वड़ास रेडी हो गए हैं, उधर दिखा, टाडा। अभी हम मिर्ची भी डालेंगे, फिर हम फाइनल आउटकम दिखाएंगे, फिर हम खाते हुए नहीं दिखाएंगे आपको तो हम कैसे खाते हैं। ये हमने रखे वड़ास यहाँ पे, बहुत यम्मी दिख रहे हैं। और ये लास्ट वाला हुआ, अब स्वरा इज डालिंग द लास्ट बेसन है वड़ा, स्वरा इज डालिंग द लास्ट वड़ा। Whoa, there you go, let's zoom it a bit. So guys, we are all set now. और अब हमारे घर भी जाके आ गए, मतलब मेरे घर एक्चुअली, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को इतनी शांति मिली ना कि the home was really fine, कोई दिक्कत नहीं हुई। So guys, I'm shooting now and let me show you how it looks like outside. Just look at the sky, that's it. Just the sky. So guys, मैं सोच रही थी कि मैं आज किस backdrop में shoot करूँ, तो Swara came up with a very good idea. Well, she's an interior designer. So अगर आपको कुछ भी काम हो तो मुझे बताना, मैं उसे definitely बताऊँगी. Okay, so I'm just gonna show you. So this is the backdrop. Actually, the angle could be this. Let me just switch on the lights first. Okay. Or the backdrop could be this. And we'll set the cushions also and we'll keep maybe some planters here also. But this really looks nice. Aesthetically nice. Or this could be the angle. Maybe like this, the portrait one. From here. And from here like this. Hi guys! So I just got done with my shoots, you can say. दो तीन videos record किए हैं मैंने,
क्योंकि अब मंथ एंड है और थोड़ा और एक्स्ट्रा काम आ गया मेरे पास में. सो आई हैव टू बाकल अप एंड आई हैव टू वर्क माई एस ऑफ एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क. मुझे शिफ्टिंग करनी है विद इन दीज 10 days बिकॉज जहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ आई गेस वहाँ पे भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा. सो आई कैन नॉट टेक हॉलीडेज एंड बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू. एंड दीज 10 days और 11 days विल बी लाइक सो हैक्टिक फॉर मी एंड आई डोंट नो विल आई बी एबल टू कीप अप विद द व्लॉग और नॉट. मे बी आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड द व्लॉग बट मे बी नॉट एडिट देम ऑल्सो. It's gonna get delayed a bit because I have a lot of work, touch wood. And as you saw in my last clip, we had vada pav today because we were really craving for fritters yesterday and we couldn't have it, so we thought to make vada pav, and Swara made a really amazing vada pavs. And I couldn't shoot because I was really mad enjoying and having it, right? And what else should I say? It's like, what time it is? It's 7:15 in the evening right now and I have a show on Fangame at 8:30. So I just have to edit at least 2 videos to get uploaded and then I have to also post on Instagram. So I'm gonna go and work. Hi guys, so मैंने just मेरा quiz finish किया 8:30 का. अब सुबह में जैसे आपने देखा हमने खाया बड़ा पाव, ठीक है. अब लग रही है भूख लेकिन हम दोनों लगे हुए हैं बहुत काम, हम दोनों को बहुत काम है. अभी भी मेरा एडिटिंग बाकी है तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज कि हम वड़ा पाव ही खा लेते हैं वापस से क्योंकि ब्रेड भी पड़ा, ब्रेड ख़राब हो जाएगा तो पाव ख़राब हो जाएगा. तो मैं फिर से मसाला निकाल रही हूँ, तेल गर्म हो रहा है और मैं सोच रही हूँ तब तक एक वड़ा पड़ा है वड़ा. सो वैसे एक हिसाब से हमने लंच डिनर दोनों में वड़ा पाव भी खाया एंड डिनर में भी खाना बाकी खाया नहीं है. अबाउट टू तेल भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है. मैं सोच रही हूँ फटाफट गर्म गर्म वड़े उतार लेती हूँ तेल में. अगर आपका मन कर रहा है आपको रेसिपी चाहिए तो बताना, स्वरा को बोलूँगी रेसिपी देगी आपको महाराष्ट्र स्टाइल वड़ा पाव. ओके गाइस, सो तूने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है. अब हम बनाने जा रहे हैं वड़ा. सुबह तो स्वरा ने बनाए थे तो आज मैंने सोचा कि अभी शाम में हम थोड़ा हाथ मार लेते हैं. आई डोंट नो ये क्या होगा, कैसा बनेगा. तो स्वरा ऐसे ही डालते हैं ना, चम्मच में लेके डालू हाथ से डाल. चल गया ना, चल गया. वो मैं मेमोरी खाली करने लग गई थोड़ा सा, चल गया. तो क्या दूसरा, तो सुबह का खत्म हो गया एक जो बचा था. खा गई मैं अभी ब्लॉग पे बातें करते करते मैंने खा लिया. I just ate it. You just make it. अच्छा, you are making all those वड़ास ना. That's what I'm thinking. कि if we make all the वड़ास, we can have them in breakfast, maybe. Okay. But why this is तड़म तड़म? Is it गीला? Because I think it is. खुद ज़्यादा ही brown हो गया. I made this वड़ा पाव. See? Can you see? वड़ा पाव नहीं बनते वड़ा. पाव क्या बनता है? I made this वड़ा. देखो 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 ये जल गया है. Shit man. And show me. I don't want the second one to be jala jala. But I feel so it's also jala jala. That's why they need to dim the gas. I'll stand this far and then I'll take it out. Guys, don't judge me, please. तुम सब lawyer है क्या? तो गाइस, एज यू कैन सी ये वाला इतना जला हुआ नहीं है, ये ठीक बना है. वो सिर्फ मेरे कैमरे पे ध्यान चला गया उस वजह से बेचारे, जैसे मेरे वड़ास नॉट पास वड़ास चल गए. ओके गाइस, सो आपका स्वागत है द ब्रीफ के किचन में, ठीक है. और हम ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट वड़ा. आई होप मैं इसे ना जलाऊं.
सबसे पहले आप इसको ऐसे अच्छे से बेसन में रैप कर देंगे। अगर स्वरा तुम यहाँ पे कमेंट्री कर रही होती, तुम बहुत अच्छे से कविता किचन की एक्टिंग कर रही होती कि हम ऐसे करके इसको बेसन में ऐसे अच्छे से घुमाएंगे। ध्यान रखिए कि कोई भी साइड इसका विदाउट बेसन ना रहे। एकदम अच्छे से इसे घुमा के यहाँ पे पास में ला के हम इसे बहुत ही प्यार से ऐसे इसमें डाल देंगे इस तरह से, और इसे हम पकने देंगे एक साइड एटलीस्ट फॉर लाइक 20-30 सेकेंड्स, क्योंकि जरूरी है। और ध्यान रखें कि दिलप्रीत ने जैसे पहले बनाए थे वड़ा वैसे ना बनाएं, ध्यान से बनाएं, कॉन्सेंट्रेशन से बनाएं और अच्छे से बनाएं, तभी आप खा पाएंगे, वरना वो एडिबल नहीं लगेंगे। ठीक है। सो बेसिकली पहले के वड़े कुछ ऐसे थे, आप देख सकते हैं एकदम रोस्टेड। आई लाइक रोस्टेड इसीलिए, दैट्स व्हाई। अब मैं इस पर बहुत ध्यान से बनाना चाहती हूँ। क्या मैं एक और साइड बाय साइड ले लूँ स्वरा? श्योर यू कैन। आराम से सूप तो फिर तो एक बचेगा। हाँ तो बना ही देना। उफ़ा तीनों डाल दे एक साथ। चलो ये रहे दो, डाला ये हमने डाला। और अरे यार अपन को थोड़ा मिर्ची डाल देना था उसमें, कोई बात नहीं। चलो गाइस चल रहे हैं हम दूसरा डालने। ये अब जाएगा तीसरा। कृपया करके घर पे इसे ट्राई ना करें, नॉट टू बी ओनली परफॉर्म्ड अंडर पेरेंट्स सुपरविजन। अभी भी बच गया बेसन, बेसन तो बचा हुआ है, क्या करेंगे अब हम बेसन का क्या करेंगे वो हमें पता नहीं। हम थोड़े से हाथ धो लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हमें एक वड़ा को टर्न करना है वरना वो जल जाएगा और फिर मैं मेरी शर्ट्स वाला से हार जाऊंगी। वरना सारा बोलेंगे तूने जले जले वड़े बनाए हैं, जल्दी टर्न कर वो वापस वैसा हाल हो जाए। ये देखो प्यारा सा, वो भी टर्न कर देगा ना मैं ऑलरेडी। सो अब हम सबसे पहले इसको टर्न करेंगे, क्योंकि सेकेंड टर्न में हमें जिसे डाला था उसी को हम टर्न करेंगे, कृपया ध्यान दें। और फिर जो थर्ड नंबर पे डाला होता है ये जो साइड में है ये बन रहे हैं 30 इंच पे, कृपया करके ध्यान ना दें, इनको हम निकाल के साइड में रख देते हैं ताकि आपका अटेंशन सिर्फ बड़ों पर रहे। और अगर आप चाहते हैं कि दिलप्रीत कुछ और अपने किचन में बनाए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। वैसे ये स्वराली का भी, स्वरा का भी फर्स्ट ट्राई था, मेरा तो ट्राई ही नहीं था, मैं तो सिर्फ तले हैं अभी, मुझे तो आता भी नहीं है। तो पकौड़े में बना सकते हैं। We'll make fritters in our next video. If you want, we have besan also. Yeah. यार कल कढ़ी पकौड़े बनाए हैं। सुबह। दही है? है ना? You. हाँ तो फिर कल के किचन में आपको कढ़ी पंजाबी स्टाइल कढ़ी बनाना आप सिखाएंगे। Oh my God. हमारे पास बहुत काम है कल, पर हम बना लेंगे कढ़ी, बना लेंगे अगर हम आज रात में अच्छे से प्लानिंग करें। देखो इसे कहते हैं प्रॉपर वड़ा, अच्छे से जूम करके फोकस करके दिखाओ। है ना स्वरा पास ना? Yes, this is pass. देखो अब इसमें और इसमें कितना अंतर है, इसीलिए कृपया करके ध्यान से कुकिंग करें और अपने फोन पे ना लगे रहें, अपने फोन को साइड में रख के कुकिंग कीजिए। आई गैस ये भी हो चुके हैं, हमें ये भी बाहर ले लेंगे। गैस बंद कर दिया, गैस हमने कर दिया है बंद, अब हम ले लेंगे इन दोनों को बाहर। और बट स्वरा कुछ भी कहो तो मसाला बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू, थैंक्स टू यू। Guys, she is my new flatmate. Hi. Well, I'm gonna show my hand. I'm gonna show my hand. You're gonna hear my voice only. Yeah, yeah. Nothing apart from that. Chalo, theek hai guys. It's like 9 o'clock. I guess. Yeah. तो हम खाने वाले हैं। मैं खाने वाली हूँ। स्वरा फ्रूट्स खाने वाली है। तो हम बनाते हैं। मैं अपने वड़ा पाव बनाती हूँ। अब पहले मुझे यही खाने पड़ेंगे। जैसे मम्मी बोलती है रोटी तुमने जलाई है तो जली हुई रोटी तुम ही खाओ। पहले ये खाऊंगी शायद इसी में पेट भर जाएगा। कोई बात नहीं, देखो देखो डिफरेंस तो देखो आप। ये है कॉन्सेंट्रेशन वाले, ये विदाउट कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखो कॉन्सेंट्रेशन इज द की। मैंने बहुत बड़बड़ कर दी है, बाय। अब मैं खाने जा रही हूँ। मैं तो खा रही हूँ। मैं स्वरा के लिए वाटरमेलन कट कर रही हूँ, उसको फ्रूट्स कट करना नहीं पसंद है।
तो अब मैं फ्रूट कट करके उसको दूंगी, वो फ्रूट खाएगी और मैं वड़ा पाव खाऊंगी। सो ये सोना के लिए हमने कट किया है। और मैं एडिट करते करते मुझे 12 बज गए थे। इनफैक्ट जस्ट मैंने ख़त्म किया एंड अभी मैं ब्लॉग एडिट करने बैठी हूँ, पर मैं आपको बता नहीं सकती मुझे इतनी नींद आ रही है ना। मैंने जस्ट अभी स्किन केयर रूटीन जो होता है वो किया है, लाइक माय बेसिक लाइक बाम एंड माय क्रीम। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाऊँगी, मुझे उससे पहले ही नींद आ जाएगी, क्योंकि आजकल मैं 11:30 तक 12 तक मैं सो जाती हूँ। आज मैं ब्लॉग लेके बैठ तो रही हूँ, बट आई डोंट थिंक सो आई बी एबल टू एडिट इट। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट बैठ पाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे मैं यहाँ पे आई थी अपना ब्लॉग एंड करने। सो पिछले कुछ दिन बहुत बिजी जा रहे हैं, मूवी लगेंगे। सो यहाँ गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है। तो आई थिंक आई शुड गो नाउ। बाय, गुड नाइट, सब्सक्राइब।